हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर व्हाई डू बी फॉल इल। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्हाट आर एक्वायर्ड डिजीजेस। तो एक्वायर्ड डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल बर्थ के बाद एक्वायर करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, व्हाट आर कंजेनाइटल डिजीजेस। कंजेनाइटल डिजीजेस वो होती हैं जो कि राइट फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती है? इन्फेक्शियस डिजीज़ आर दोज डिजीज़ दैट आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, जो कि पैथोजेंस की वजह से होती हैं, और इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड कर सकती हैं। जैसे आपकी बैक्टीरियल, वायरल, फंगस डिजीज़ हो जाती हैं, तो ये डिजीज़ बहुत ही आसानी से डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्हाट आर क्रोनिक डिजीजेस। क्रोनिक डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जिनका ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीजेस होती हैं, बहुत स्लोली डेवलप करती हैं और धीरे धीरे डिसेबिलिटी कॉज करती हैं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर एक्यूट डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज होती है। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज अ डिजीज। तो डिजीज इज द डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी और द पार्ट ऑफ ए बॉडी। वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? द फुल फॉर्म ऑफ WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वॉट इज हेल्थ? हेल्थ की अगर WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें तो इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी दैट इनेबल्स वन टू लीड अ सोशल एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। इसको एज सच ही लर्न करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स एंड एंथ्रेक्स। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स हो जाता है आपका वायरस और एंथ्रेक्स का बैक्टीरियम। नेम द डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। दीज आर कोलेरा एंड हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ काला आजार। तो काला आजार होता है लीशमानिया दोनोवानी से, जो कि एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट आता है आपका, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड पर ही क्यों फीड करती है? क्योंकि उसको ह्यूमन ब्लड की प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है ताकि वो एग्स ले कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डॉग बाइट की वजह से कौन सी डिजीज होती है? डॉग बाइट की वजह से होता है रेबीज। नेक्स्ट आता है आपका, एक एग्जांपल बैक्टीरिया से डिजीज़ होने का बताइए। तो बैक्टीरिया से एक होता है टाइफाइड होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, और वायरस से होने वाली डिजीज़ के नाम है आपके पोलियो, जो कि पोलियो वायरस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन सी होती हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस वो होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं होती, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं होती, कि उसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उनसे होती हैं, और वो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में नहीं फैलती हैं। कुछ ऐसी डिजीजेस के नाम बताइए जिनकी वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो ये हो जाते हैं आपके ट्यूबरकुलोसिस की अवेलेबल है, COVID-19 की अवेलेबल है, पोलियो की अवेलेबल है, मम्स, मीजल्स, रुबेला, रेबीज, इन सब की वैक्सीन अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताइए। तो डैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। और वेक्टर ऑफ मलेरिया कौन है? दैट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ORS की फुल फॉर्म बताइए, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन।